नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज आईटीआई सेकेंड ईयर के पेपर का एनालिसिस कराएंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। साथ ही आप अन्य किसी ट्रेड से हो तो आप भी ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम वर्कशॉप कंसल्टेंस के पेपर का भी एनालिसिस कराएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आज आपके एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले इस पेपर का पूरा एनालिसिस करके ज़रूर जाना, क्योंकि दोस्तों आज यही पेपर आने वाला है विंडो का विंडो पेपर। अब काफ़ी बच्चों के कमेंट ये भी आएंगे कि सर आपको क्या पता यही पेपर आएगा। दोस्तों, एक बार आपने मेरे हिसाब से अच्छे से तैयारी की होगी, अच्छी बात है, लेकिन एक बार इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाओ। फिर एग्ज़ाम के बाद हमसे मिलो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ITI CPT एग्ज़ाम के नाम से, जहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं रोज़ एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर आपस में डिस्कस करते हैं, फिर आपको वहाँ से पता चलेगा कि पेपर रियल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपने अच्छी से तैयारी की अच्छी बात है, लेकिन एक लगभग आपका ये 8 या 9 मिनट का वीडियो का, इसको जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि इतना टाइम आपने बिता दिया तो एक बार ये और देख लो, क्या पता यही पेपर आ जाए। और कन्फर्म विंडो का विंडो पेपर आपको यही मिलेगा, एक भी क्रमांक चेंज नहीं मिलेगा। साथ ही आप अन्य किसी ट्रेड से हो तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको भी अगर पेपर की PDF चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ITI CPT एग्जाम के नाम से, या आप खुद भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो ITI CPT एग्जाम के नाम से, जहाँ पर हम हर ट्रेड के पेपर अवेलेबल करा रखे हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो में लास्ट जरूर बने रहना, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। साथ ही आप एग्ज़ाम दे के बाद में हमसे मिलो, फिर बोलो कि सर पेपर आया या नहीं आया, क्योंकि ऐसे आपको भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे के उनको तो पता है। साथ ही अभी भी आपको कन्फ्यूज है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आओ, वहाँ पर बच्चों से आपस में डिस्कस करो कि पेपर आ रहे या नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं, रोज़ बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं, उनको पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे या नहीं आ रहे। तो मेरा यही कहना है, अभी भी आपके अगर CPT एग्ज़ाम नहीं हुई है तो हम रोज़ एग्ज़ाम के बाद में पेपर का एनालिसिस कराते हैं, तो आप यहां से देख सकते हो। साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो, तो आप बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त खराब न करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस प्रकार किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों, वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वो होता है आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, वो आपका मेगर, सॉरी वो आता है दोस्तों आपका केल्विन ब्रिज, यानी राइट आंसर क्या आएगा? डी, तीसरे का। अगला क्वेश्चन है, DC फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसके लिए हम करते हैं सुपर इन्वर्टर तांबे का तार। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, तो जहाँ पर राइट है वो राइट है, और जो रॉन्ग आंसर है तो वो आपका रॉन्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? दोस्तों, वो की जाती है फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, वो आपका बाहरी ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? दोस्तों, वो होता है मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, AC मोटर के स्टेटर की कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, वो होता है आपका कुल विद्युत डिग्री बराबर होता है 180 ध्रुवों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होती है? दोस्तों, वो होती है आपकी 25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? दोस्तों, वो होती है 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? तो दोस्तों, वो होता है आपका एक स्टेपर फॉर्मर की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है, यानी कौन सी मोटर ये? तो दोस्तों, ये होती है आपकी केवल स्टार्ट के प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों, वो होती है आपकी फेज विभाजक की विधि। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, वो होता है आपका लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? दोस्तों, वो होता है भोजन मिक्सर। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? दोस्तों, वो किया जाता है KVA में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? दोस्तों, वो होता है 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अगला क्वेश्चन है, रोटरी कन्वर्टर के भाग अक्ष का क्या कार्य है? तो दोस्तों, उसका कार्य है वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, वो होता है एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें।
अगला क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका लाभ है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है, एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो दोस्तों इनमें सक्रिय घटक कौन सा है? तो वो दोस्तों होता है ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन सेमी कंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? इसका राइट आंसर आएगा BY126। काफ़ी बार हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन कन्फर्म रहा है दोस्तों। अगला है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा केबल बांधने का पट्टी। दोस्तों ये आपके सेमेस्टर प्रणाली में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो होता है आपका नायलॉन बंध। अगला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है? दोस्तों राइट आंसर आएगा सेंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है? तो दोस्तों वो होगा मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा बेसिक ऑपरेशन पैनल। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों राइट आंसर आएगा निरंतर ड्यूटी ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 228 वोल्ट, यानी वोल्टेज प्लस माइनस 5% कम ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के एक कूलम विद्युत धारा मुक्त होता है? दोस्तों राइट आंसर होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निर्बाध विद्युत आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, पारस्परिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर उसमें शक्ति उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेस में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेटर प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों वो होता है दो से अधिक मेगा ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर होगा सेकल इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने के लिए पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? दोस्तों राइट आंसर होगा स्पारिंग से बचे। अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? दोस्तों वो किया जाता है MVA मेगा वोल्ट एम्पीयर में। अगला क्वेश्चन है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट में साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? दोस्तों वो लगाया जाता है ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये ट्रेड थ्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही अब आपके वर्कशॉप क्वेश्चन के क्वेश्चन आएंगे, ये अल्टरनेट के लिए है। तो आप ये पेपर देखने के लिए पहले वाले पेपरों का एनालिसिस करो, यानी प्ले लिस्ट में जाओ या वीडियो में जाओ, वहाँ पर आपको और पेपर मिल जाएंगे। तो वहाँ से इसका एनालिसिस जरूर करके जाना, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता है और बच्चों को देखने में दिक्कत आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आज शाम को, क्योंकि तीनों पारियों में यही पेपर आने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।